हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पर। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई प्रॉपर्टी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहा हूँ, बेसिकली जैसा कि आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है 200 गज में बना हुआ ड्यूप्लेक्स हाउस। और फ्रेंड्स, अगर लोकेशन की मैं बात करूँ, ये रहेगा सेक्टर 125 सनी इनक्लेव मोहाली। और इस लोकेशन की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो ये आपका घर रहेगा, ये है पार्क फेसिंग, और जो इसके सामने पार्क है वो सनी इनक्लेव का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा पार्क है एंड फुल्ली ड्यूअल पार्क है। और कुछ और ख़ास बातें इस लोकेशन की, इस लोकेशन से जो इस सनी इनक्लेव का सबसे बड़ा जो स्कूल है, सबसे बड़ा मंदिर और इवन जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा साहिब है और जो सबसे बड़ी मार्केट है, वो ओनली 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। और अगर मैं हाईवे से बात करूँ, हाईवे से अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर पर ये लोकेशन पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर, ये है 200 गज में बना हुआ ड्यूप्लेक्स हाउस, जिसकी डायमेंशन जो रहेंगी वो रहेंगी 30x60 की। और सबसे पहले आप ये देखेंगे जो आपको काफ़ी जो बड़ी बर्म इसमें आपको मिलती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है पार्क फेसिंग है, तो आपको जो पार्किंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और इस बर्म जो आप ये बर्म देख रहे हैं, इसमें भी आप 1 से 2 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। और आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सुंदर जो आयरन का गेट इसमें आपको मिलता है। और अगर ये मेरा पार्किंग एरिया अगर आप देखेंगे, अगर आप दो छोटे साइज़ की कार्स की बात करूँ, आप इजीली 2 कार इसमें पार्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो बड़े साइज़ की 1 गाड़ी आप इजीली इसमें पार्क कर सकते हैं। और इसी के साथ राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, ये रहेगा आपका 2-व्हीलर की पार्किंग का एरिया, और इसी के साथ एक छोटा सा पार्क। इस पार्क को आप चाहें तो इस जो पार्क का जो एरिया उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस घर को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया गया, अगर आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है या जो मटेरियल है, काफ़ी फाइन जो मटेरियल का यूज़ इसमें किया गया है, और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, पूरा ही जो ये एंट्रेंस में अगर आप देखेंगे, पूरा टाइल वर्क है, और जो लुक्स हैं आपके वॉल की वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए मेंटेन रहती हैं। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्वालिटी का काफ़ी ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो आप जो देखेंगे, जो आपका ये मेन डोर, काफ़ी खूबसूरत वेल पॉलिश्ड डोर आपको इसमें दिया गया है। फ्रेंड्स, एंटर करते ही मेरे राइट हैंड साइड में ये है आपका ड्राइंग एरिया। उससे पहले जो आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा जो वुडन का आर्ट वर्क इसमें आपको मिल जाता है, जो पार्टीशन की गई है काफ़ी खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, ब्राउन और वाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये है ड्राइंग रूम हमारा, और इवन जो ड्राइंग रूम की अगर आप वॉल देखेंगे सामने वाली, काफ़ी डिफरेंट लुक की वॉल है, काफ़ी डिज़ाइनर वॉल इसमें बनाई गई है। और फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ, ये अगेन ये भी आपको डिज़ाइनर फॉल सीलिंग मिलती है विद कंसील लाइट्स। और फ्रेंड्स, आप थोड़ा सामान देख रहे होंगे इसमें, बेसिकली इसका जो फिनिशिंग का वर्क इसमें अभी कंटिन्यू है। और इसी के साथ ये रहेगी हमारी फ्रंट विंडो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामने पार्क है आपका, तो यहाँ से जो सामने घर का फ्रंट व्यू है, जो पार्क व्यू है, वो आपको इस ड्राइंग रूम से मिलता है। और आइए फ्रेंड्स, अब ड्राइंग रूम के बाद मैं आपको ले चलता हूँ आपका डाइनिंग एरिया। आप इस एरिया को डाइनिंग एरिया की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इस साइड चाहें तो जो फैमिली लाउंज आपका एरिया, उसको एज ए फैमिली लाउंज इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सामने अगर आप देखेंगे, एक टीवी पैनल इसमें आपको मिलता है। और इसी के साथ ये रहेगा आपका शोकेश, जिसमें कि आप चाहें तो जो सजावट का सामान अपना इसमें रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस एरिया को आप एज ए डाइनिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए डाइनिंग एरिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेसिन एरिया आपको मिल जाता है, इसमें आपका वॉश बेसिन, और इसी के साथ एक छोटा सा स्टोर आपको मिल जाता है आपकी किचन के सामने ही, तो जो एक्स्ट्रा सामान है आप इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूं, तो इवन किचन के बाहर जो आपका डाइनिंग एरिया है, इसमें भी काफ़ी सुंदर फॉल सीलिंग आपको मिलती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, ये रहेगा हमारा किचन, फुली मॉड्यूलर किचन। आप देख सकते हैं इवन जो इसकी एंट्रेंस है किचन की, काफ़ी खूबसूरत है, जो ब्लू लाइट्स इसमें दी गई हैं जो इसकी लुक्स है उसको एनहांस करती हैं। और इसी के साथ ये है हमारा फुल्ली मॉड्यूलर किचन। और कैबिनेट्स जो भी रहेंगे वो रहेंगे सॉफ्ट क्लोजर के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये एरिया रहेगा आपका वॉशिंग एरिया, और अगेन वॉशिंग एरिया के सामने आपको बड़ी सी विंडो।
प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये रहेगा आपके हॉब के लिए, आपकी चिमनी के लिए। और अगर मैं बात करूं इसमें ऑलरेडी जो गैस पाइपलाइन है उसका भी प्रोविज़न दिया गया है। और मेरे राइट हैंड साइड में आपको स्पेस मिलता है आपके फ्रिज के लिए, तो आप देखेंगे तो आपको किचन में काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है स्टोरेज के लिए। और फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था ये 4 बेडरूम एक डुप्लेक्स विला है जिसमें कि 2 बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलते हैं। और एक और प्लस पॉइंट जो इसकी एक्सेस है इस विला में, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहें तो जैसे कि आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं इंटरनल स्टेयर्स भी इसमें हैं और एक आउटर स्टेयर भी इसमें दी गई है। यानी इन फ्यूचर अगर आप सेकंड फ्लोर को बनाने की सोच रहे हैं, अगर उसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो जो उसकी एंट्रेंस है वो सेपरेट रहेगी। और फ्रेंड्स ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी एक कंसील लाइट के साथ आपको एक अच्छी फॉल्स सीलिंग इसमें आपको मिल जाती है। और इसी के साथ ये रहेगा इसका टीवी पैनल, काफ़ी बड़ा साइज़ का टीवी पैनल आपको मिलता है, तो अगर आप इसमें छोटा या बड़े किसी भी साइज़ का जो टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। और फ्रेंड्स ये रहेगा हमारा स्टोरेज एरिया, जैसा कि आप देख सकते हैं फुल हाइट जो वार्डरोब्स इसमें आपको मिल जाती हैं। और इसी के साथ ड्रेसिंग एरिया, तो काफ़ी बड़ी अलमीरा इसमें आपको मिलती है। और ये रहेगा हमारा अटैच वॉशरूम, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर और काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिलता है। और जो फुल हाइट टाइल्स हैं पूरी वॉल्स पर आपको मिलती हैं और एंटी स्किड टाइल्स रहेंगी फ्लोरिंग पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर जो वैनिटी इसमें आपको मिलती है, तो इवन अगर आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत वॉशरूम का कंसेप्ट इसमें आपको मिलता है। और फ्रेंड्स इसी बेडरूम से आपको एक्सेस मिलती है आपके बैकयार्ड की तरफ, तो जैसा कि आप जानते हैं बैकयार्ड होने की वजह से जो प्रॉपर वेंटिलेशन जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो आपके घर को मिलती रहती है। और फ्रेंड्स ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये रहेगा आपका वॉशिंग एरिया, तो इसमें जो आप चाहेंगे अपने वॉशिंग मशीन इजीली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड बेडरूम की तरफ जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वालिटी वाइज आप देखेंगे तो इवन जो बेडरूम्स के डोर्स हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं, कितना अच्छा डिज़ाइन आपको डोर्स पे इवन डोर्स पे आपको मिलता है। और फ्रेंड्स ये है हमारा सेकंड बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, इसमें भी अगर आप देखेंगे आपको जो एक खूबसूरत फॉल सीलिंग इसमें आपको मिलती है। और इसी के साथ ये टीवी पैनल, जो टीवी पैनल्स आपने नोटिस किए होंगे काफ़ी बड़े साइज़ के टीवी पैनल्स हैं, तो इसमें अगर आप बड़े साइज़ का टीवी इंस्टॉल करना चाहें इजीली इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी के सामने अगर आप देखेंगे इवन जो अलमीरा है प्रॉपरली फुली कवर अलमीरा आपको इसमें मिलती है, स्लाइडिंग डोर्स रहेंगे अलमीरा में। इवन अगर आप ऊपर भी देखेंगे पूरा आपको स्टोरेज एरिया दिया गया है ताकि स्टोरेज की कोई दिक्कत ना आए आपको। और इसके साथ एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया आपको मिल जाता है। और ये रहेगा इसका अटैच वॉशरूम, जैसा कि आपने पहले भी वॉशरूम देखा था फुल हाइट टाइल्स के साथ काफ़ी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। और फ्रेंड्स इस बेडरूम से भी आपको एक्सेस मिल जाती है आपके बैकयार्ड की तरफ, जैसा कि हमने फर्स्ट बेडरूम से देखा था। तो दोनों ही बेडरूम से आपको एक्सेस मिलती है आपके बेडरूम की तरफ ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम्स को मिलती रहे। और फ्रेंड्स ये जो स्टेयर्स देख रहे हैं अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो इस विला में आपको जो इंटरनल स्टेयर्स हैं उसकी ऑप्शन भी मिलती हैं और जो आउटर स्टेयर हैं उसकी ऑप्शन भी मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 बेडरूम जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर और 3 बेडरूम आपको मिलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और सबसे पहले तो जैसे ही आप एंटर करते हैं ये आपको एक लॉबी एरिया इसमें आपको मिलता है। और इसी के साथ ये है आपका फुली मॉड्यूलर किचन, इसमें भी अगर आप देखेंगे प्रॉपरली जो कैबिनेट्स आपको है स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें कैबिनेट्स आपको मिल जाते हैं। सारे ही जो कैबिनेट्स रहेंगे वो रहेंगे सॉफ्ट क्लोज़र के साथ हाइड्रोलिक, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये इसका वॉशिंग एरिया, और इसी के साथ ये रहेगा इसका फ्रिज का एरिया। और जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था किचन के सामने आपको एक स्टोरेज एरिया मिलता है, सेम कंसेप्ट रहेगा इसमें भी एक आपको स्टोरेज एरिया मिलता है सामने, इसको अगर आप चाहें एज ए पूजा रूम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा
थर्ड बेडरूम, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, सेम उसी साइज का बेडरूम इसमें आपको मिलता है। इसमें भी अगर आप देखेंगे प्रॉपर जो फॉल सीलिंग इसमें आपको मिलेगी, एक बहुत बड़ी साइज की जो वार्डरोब्स है स्लाइडिंग वो इसमें आपको मिलती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे प्रॉपर जो छोटी छोटी जो स्टोरेज जो अलमीरा हैं वो इसमें आपको मिलती है। अगेन आपका टीवी पैनल, और इसमें एक बहुत बड़ी विंडो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। और ये रहेगा इसका अटैच वॉशरूम, इसमें भी अगर आप देखेंगे फुल हाइट जो टाइल्स वो इसमें आपको मिलती है, सुंदर सी वैनिटी इसमें आपको मिलती है। और फ्रेंड्स, इस रूम से आपको एक्सेस मिलती है आपकी एक छोटी सी बालकनी है, आपकी रेयर बालकनी यानी कि बैक साइड वाली बालकनी, तो अगर आप चाहें तो इसको एज ए वॉशिंग एरिया भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूं फोर्थ बेडरूम की तरफ। फ्रेंड्स, ये है हमारा फोर्थ बेडरूम। जैसा कि हमने नीचे बेडरूम देखा था, ये दोनों ही बेडरूम सेम साइज के बेडरूम रहेंगे जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर में देखे हैं, और सेम कंसेप्ट रहेगा विद LED पैनल, बड़ी सी आपको अलमीरा स्लाइडिंग, और उसी के साथ मैं बात करूँ आपके अटैच वॉशरूम। इसमें भी जैसा कि हमने नीचे देखा था फुल हाइट जो टाइल्स हैं वो इसमें आपको मिलेगी, एंटी स्किड टाइल्स फ्लोरिंग पर, और प्रॉपरली जो कंप्लीटेड वॉशरूम इसमें आपको मिलेगा। और एक बात और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे ही घर में जो आपको AC की वायरिंग्स हैं वो हम करवा के दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ आपको अपना इनर और आउटर यूनिट फिट करना है। और ये रहेगा आपका LED पैनल, और इस रूम से भी आपको एक्सेस मिलेगी आपकी बैक बालकनी की तरफ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था थर्ड बेडरूम से जो जाता है आपके वॉशिंग एरिया की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ फिफ्थ बेडरूम की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फिफ्थ बेडरूम। इस बेडरूम को अगर आप चाहें एज ए किड्स, जो किड्स रूम है वो एज ए किड्स रूम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जो स्टाइल है जो फॉल सीलिंग का वो इसमें डिफरेंट है। और ये सामने है इसकी वार्डरोब्स इस बेडरूम की, इसमें भी इवन आपको फुल हाइट की जो वार्डरोब्स वो इसमें आपको मिलती है। ये रहेगा इसका अटैच वॉशरूम, थोड़ा साइज छोटा है इस रूम का जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको एज ए आप किड्स रूम यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी फ्रंट बालकनी है उसकी एक्सेस मिल जाती है आपको इस बेडरूम से, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अब आप प्रॉपर जो व्यू है पार्क का आप देख सकते हैं, एक फुल्ली ड्यूअल पार्क का जो व्यू इसमें आपको मिलता है जो कि इस घर की एक ब्यूटी है। और अगर आप देखेंगे प्रॉपर जो बच्चों के लिए इसमें झूले लगे हुए हैं, इवन अगर मैं गजीबो की बात करूँ, आपका सिटिंग एरिया का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया इस पार्क में, तो इवन जॉगिंग ट्रैक इसमें बना हुआ है, अगर आप चाहें इवनिंग और मॉर्निंग की इसमें जो जॉगिंग है जो वॉक है वो इसमें कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एक्सेस रहेगी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की के लिए वो इंटरनल स्टेयर से भी है, और आपका जो आउटर स्टेयर है उससे भी आपको एक्सेस मिलती है। प्रॉपर जो ग्रेनाइट है उसका यूज़ किया गया है आपके स्टेप्स पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो टेरेस इसमें आपको मिल जाता है, और हाँ, अगर आप चाहें फ्यूचर में इस फ्लोर को भी बनवाना तो आप इजीली इसको बनवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको और वीडियोस में भी बताया है कि अलाउड है यहाँ पे G+2 की कंस्ट्रक्शन, यानी जो हमने फ्लोर देखे हैं उसके अलावा एक फ्लोर आप और इसमें कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। और अगर मेरे आसपास की एरिया की मैं बात करूं, जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ प्रॉपरली डेवलप एरिया है, प्रॉपर रोड्स बनी हुई हैं, पार्क प्रॉपर जो मेंटेन रहेगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये 200 गज में बना हुआ 5 बेडरूम डुप्लेक्स विला पसंद आया होगा,
और फ्रेंड्स जो इसकी लोकेशन रहेगी वो रहेगी सेक्टर 125 मोहाली। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एक पार्क इसी मिला है, इसके सामने की एक खुली बड़ा जो डेवलप पार्क है वो सामने इसका आपको मिलता है। और इवन जो सबसे बड़ा स्कूल है सनी एरिया का, या सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, सबसे बड़ी मार्केट सिर्फ 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। और फ्रेंड्स जो और बेसिक अमेनिटीज है इसके अलावा भी, वो भी सब क्लोज बाय रहेंगी। तो फ्रेंड्स इस विला के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या इसको विजिट करना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।